नमस्कार दोस्तों, आईएफएल सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इक्विटी कमोडिटी करेंसी मार्केट के वीकली आउटलुक पर। इस आउटलुक में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा रहा और आने वाले हफ्ते में मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है, इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो हमने देखा सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, साथ में हमने देखा यूएस सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया सभी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए। वहीं हमने देखा इस डिसीजन के बाद इक्विटी मार्केट में गिरावट गिराती हुई देखी। डाउ जोन्स करीबन 0.024% की गिरावट के साथ 32,899 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। सेंसेक्स भी करीबन 3.96% की गिरावट के साथ ट्रेड हुआ और करीबन 54,835 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। निफ्टी में भी करीबन 4% से ज़्यादा की गिरावट रही और निफ्टी 16,411 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16,100 और रेजिस्टेंस 17,300 का रहेगा। हमें लगता है कि निफ्टी में अगले हफ्ते भी मार्केट में ट्रेंड डाउन रह सकता है और भावों में नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड निफ्टी में लिया जा सकता है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में एक लोअर टॉप लोअर फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है, जो इंडिकेट करती है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और भावों में आने वाले दिनों में निफ्टी में नरमी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमने देखा कमोडिटी मार्केट के अंदर भी ओवरऑल ट्रेंड डाउन देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स 20 साल की हाइस पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स में तेजी ऐसे ही कायम रह सकती है और डॉलर इंडेक्स ऊपर में 105 से लेकर 107 के लेवल को छू सकता है। वहीं हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से कमोडिटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। गोल्ड के भाव करीबन 1% की गिरावट के साथ 51,343 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। गोल्ड में महत्वपूर्ण सपोर्ट 50,700 से लेकर 50,200 का रहेगा। रेजिस्टेंस 52,700 से लेकर 53,200 का रहेगा। हमें लगता है अगले हफ्ते भी गोल्ड के अंदर सेल ऑन राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है और भाव नीचे करीबन 50,700 से लेकर 50,200 के स्तर को छू सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $1,850 से लेकर $1,830 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। सिल्वर के अंदर भी हमने करीबन 2% से ज़्यादा की गिरावट देखी। सिल्वर के भाव करीबन 62,548 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। सिल्वर में महत्वपूर्ण सपोर्ट 61,000 से लेकर 58,500 का, रेजिस्टेंस 64,000 से लेकर 66,500 का हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, यहाँ पर हमें लगता है 61,000 से लेकर 60,500 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में $21.80 तक के लेवल सिल्वर में देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस मेटल की। बुलियंस के साथ साथ बेस मेटल में भी हमने गिरावट देखी। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड सभी के अंदर हमने एक गिरावट का ट्रेंड आते हुए देखा। कॉपर के भाव हमने देखे करीबन 2.73% की गिरावट के साथ 761.50 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। कॉपर में महत्वपूर्ण सपोर्ट 745 से लेकर 730, रेजिस्टेंस 775 से लेकर 795 का रहेगा। जिस तरह की गिरावट यहाँ दिखी है, टेक्निकल ब्रेकडाउन यहाँ देखने को मिला है, हमें लगता है कॉपर के भाव अगले हफ्ते 745 से लेकर 750 के लेवल को छू सकते हैं, तो यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड ही रहेगा। जिंक की अगर बात करें तो जिंक में मोर देन 5% की गिरावट रही और जिंक के भाव 326.10 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। जिंक में महत्वपूर्ण सपोर्ट 319 से लेकर 310, रेजिस्टेंस 332 से लेकर 340 का रहेगा। जिंक के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे 319 से लेकर 315 तक के लेवल जिंक में देखने को मिल सकते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम के अंदर हमने भी यहाँ पर करीबन 5% से ज़्यादा की गिरावट देखी और एल्युमिनियम के भाव करीबन 239.80 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। एल्युमिनियम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 232 से लेकर 224, रेजिस्टेंस 244 से लेकर 252 का रहेगा। एल्युमिनियम के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे लेवल करीबन 232 से लेकर 229 तक के लेवल एल्युमिनियम में देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। जहाँ हमने बुलियन बेस मेटल में गिरावट देखी, वहीं हमने क्रूड के अंदर तेजी बनते हुए देखी। क्रूड के भाव मोर देन 4% की तेजी के साथ 8,447 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए और इंटरनेशनल मार्केट में हमने करीबन $113 तक के लेवल ब्रेंट में आते हुए देखे। हमने देखा क्रूड की सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड की कर्व होने की वजह से हमने यहाँ पर एक तेजी आते हुए देखी। सप्लाई लोअर होने की वजह से हमने यहाँ पर भावों में तेजी आते हुए देखी, तो कहीं ना कहीं क्रूड के भावों में तेजी का माहौल दोबारा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। क्रूड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 8,100 से लेकर 7,700 का रहेगा, रेजिस्टेंस 8,700 से लेकर 9,050 का रहेगा। एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में क्रूड के भावों में तेजी रह सकती है और ऊपर में भाव 8,700 से लेकर 9,000 के स्तर को छू सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के भाव 115 से लेकर $118 तक के लेवल को छू सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रह सकता है। वहीं हमने देखा नेचुरल गैस के भाव मोर देन 12% की तेजी के साथ 623.20 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए।
यूएस के अंदर ठंडा वेदर होने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से नेचुरल गैस के अंदर भी हमने तेजी आते हुए देखी। नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 500 से लेकर 560, रेजिस्टेंस 660 से लेकर 700 के बीच रहेगा। और यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है जल्दी ही नेचुरल गैस के भाव अगेन 660 से लेकर 700 रुपये तक के लेवल को छू सकते हैं। अब हम बात करते हैं करेंसी सेगमेंट की। हमने देखा यूएस डॉलर की तेजी होने की वजह से रुपी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, और रुपी करीबन 0.5% की गिरावट के साथ 77.08 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। यहाँ पर हमें लगता है डॉलर इंडेक्स में तेजी रहेगी तो रुपी के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो डॉलर में हमारी खरीदारी की सलाह है, डॉलर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 76.40 से लेकर 75.80, रेजिस्टेंस 77.40 से लेकर 77.90 का रहेगा। तो डॉलर के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर में टारगेट 77.40 से लेकर 77.80 तक हो सकता है। वही हमने देखा जेपीवाई आईएनआर जो कि 20 साल के लो लेवल पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर एक रिकवरी आते हुए देखी, और जेपीवाई आईएनआर के भाव 0.22% की तेजी के साथ 59.22 के लेवल पे देखने को मिले। जेपीवाई आईएनआर में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58.30 का रहेगा और रेजिस्टेंस 61.20 का रहेगा। तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में टारगेट 60.60 से लेकर 61 पॉइंट तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जेपीवाई आईएनआर में खरीदारी का ट्रेड रहेगा। अब हम बात करें एग्रीकल्चर कमोडिटी की, तो यहाँ पर हमने अगेन गिरावट का माहौल आते हुए देखा। ग्वार सीड के भाव मोर देन 4% की गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए देखे गए। मॉनसून की गतिविधि बढ़ने की वजह से, नॉर्मल मॉनसून के होने की वजह से हमने सभी एग्रीकल्चर में गिरावट आते हुए देखी। ग्वार के अंदर गिरावट देखने को मिली, ग्वार के अंदर करीबन 4.25% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर ग्वार में महत्वपूर्ण सपोर्ट 5,800 से लेकर 6,250 का रहेगा। हमें लगता है ग्वार के अंदर बिकवाली का ट्रेड आगे भी देखने को मिल सकता है और ग्वार के भाव नीचे 5,800 को छू सकते हैं। मसालों की अगर बात करें तो मसालों के अंदर भी हमने गिरावट आते हुए देखी। टर्मरिक जहाँ पर हम तेजी का ट्रेंड देख रहे थे, वहाँ पर पिछले हफ्ते टर्मरिक के भावों में गिरावट देखने को मिली, और हल्दी करीबन 3.60% की गिरावट के साथ 8,204 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। हल्दी के भावों में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 7,800 का रहेगा और रेजिस्टेंस 8,700 का रहेगा। हमें लगता है टर्मरिक के अंदर और बाकी मसालों में गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है, वहाँ भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं और टर्मरिक के भाव 7,800 के लेवल को छू सकते हैं। जहाँ हमने मसालों में ग्वार में गिरावट आती हुई देखी, वही हमने कॉटन सीड ऑयल केक में रिकवरी का माहौल आते हुए देखा, और कॉटन सीड के भाव मोर देन 4.59% की गिरावट तेजी के साथ 2,919 के स्तर पर बंद होते हुए देखेगा। यहाँ पर तेजी दर्ज की गई। हमें लगता है कॉटन सीड ऑयल केक में आने वाले दिनों में सेलर राइस का मार्केट रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बारिश होगी तो हरे चारे की तरफ डिमांड बढ़ सकती है और खल की ज्यादा भाव होने की वजह से डिमांड कम हो सकती है। तो यहाँ पर भी सेलर राइस का मार्केट ही रहेगा। हमें लगता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2750 का रहेगा, रेजिस्टेंस 3100 का रहेगा। तो कॉटन सीड ऑयल केक में गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है और यहाँ पर भाव 2750 के लेवल को छू सकते हैं। तो ये था दोस्तों वीकली आउटलुक। आशा करते हैं कि आपको ये आउटलुक पसंद आएगा। इस आउटलुक के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इसी तरीके से IIFL के साथ बने रहिए। IIFL के यूट्यूब चैनल, IIFL के इंस्टाग्राम चैनल को, IIFL के टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपके पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेंगी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।